स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे फूड चैन एंड फूड वेब के बारे में। हिंदी में इन्हें हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये BSc पार्ट थर्ड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड चैन और फूड वेब के बारे में। सबसे पहले हम एक सिंपल सी इंट्रोडक्टिव डिस्कशन खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चैन के बारे में करेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसी इकोसिस्टम की, किसी पारितंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, इकोसिस्टम के कार्यों के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है, तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का, ऊर्जा का हमेशा एक दिशीय प्रवाह होता है, यूनिडायरेक्शनल या वन वे फ्लो होता है। और इसीलिए हम जब भी किसी इकोसिस्टम के लिए एनर्जी या ऊर्जा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, इस शब्द को उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में ऊर्जा का, एनर्जी का हमेशा एक दिशीय, वन वे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अब जब ये ऊर्जा किसी इकोसिस्टम में एक जैविक घटक से दूसरे जैविक घटक तक पहुंचती है, तो जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की, इकोसिस्टम की संरचना की, तो हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो जैविक घटक हैं उसके, उसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होते हैं, और वो उपभोक्ता भी कई प्रकार के हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी तरह तृतीयक, इस तरह की एक व्यवस्था होती है। इकोसिस्टम में जनरली अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का, ऊर्जा का
जो सोर्स है वो आपके सन यानी सूर्य होता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, सामान्यतः बात करें तो ग्रीन प्लांट, हरे पादप उत्पादकों का काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और सूर्य की जो विकिरण प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये रासायनिक ऊर्जा जो उत्पादकों के पास है वहाँ से ये प्राथमिक उपभोक्ताओं तक, जो शाकाहारी जंतु हैं जो सीधे ही इन हरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनमें पहुंचती हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ताओं में, क्योंकि ये मांसाहारी जंतु हैं, शाकाहारियों पर निर्भर है, और इस प्रकार इकोसिस्टम में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका ये स्थानांतरण या ऊर्जा का जो फ्लो है वो होता है। तो किसी इकोसिस्टम में जो उसके जैविक घटक हैं उनके बीच एनर्जी का, ऊर्जा का जो फ्लो, जो प्रवाह होता है वो फूड चेन के द्वारा, खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है, और इसी खाए और खाए जाने की रिपीटेशन के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, जो मैंने पिछले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में आपको बात की, यहाँ भी वही बात है कि फूड चेन में क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी रिसीव करता है अपने से नीचे लेवल से। जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा समझूं कि यहाँ पर जो फ्रॉग है वो एनर्जी रिसीव करता है इंसेक्ट से, इंसेक्ट रिसीव करेगा प्लांट से। यानी जब हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, तो फूड चेन में हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो एनर्जी, ऊर्जा को अपने से नीचे लेवल से प्राप्त करता है। और जनरली यहाँ क्या होता है, प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों का काम करते हैं। तो प्लांट्स आर जनरली प्रोड्यूसर्स, उत्पादक हैं, क्योंकि अभी मैंने बात की थी इनमें फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फूड चेन में जो दूसरी बात हम करेंगे वो है कंज्यूमर्स, एनिमल्स जितने भी हैं, जंतु जितने भी हैं, ये उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर्स का काम करते हैं, और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये पादपों पर अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं। अब जब भी फूड चेन की बात आती है तो वहीं पर एक बात आती है ट्रॉफिक लेवल की। हिंदी में ट्रॉफिक लेवल को हम पोषण स्तर इस नाम से जानते हैं, और सिंपली फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल है इनको T1, T2, T3 इन नामों से या इन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी फूड चेन खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में ट्रॉफिक लेवल्स पोषक स्तर क्या होते हैं। तो बात करते हैं कि कोई फूड चेन है, कोई खाद्य श्रृंखला है, वहां पर किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी जीव की स्थिति, स्टेटस, पोजीशन क्या है, उसी को उस जीव की ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता हो गए, फिर अपघटक भी होते हैं। तो जो ट्रॉफिक लेवल है वो किसी जीव की फूड चेन में उसकी पोजीशन क्या है, या इकोसिस्टम में उसकी स्टेटस, उसकी पोजीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, या हमने कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखी हैं। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। हिंदी में इसे चारण खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन को हिंदी में चारण खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। नंबर एक, ये सबसे कॉमन प्रकार की, मोस्ट कॉमन टाइप जो फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन है, नंबर एक। नंबर टू, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जो चारण खाद्य श्रृंखला है, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये खाद्य श्रृंखला जिस इंटरैक्शन पर, हमने एक टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था स्पीशीज इंटरैक्शन, तो वहां हमने प्रीडेशन, परभक्षीता की बात की थी। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है ये परभक्षीता अंतःक्रिया, प्रीडेशन, इंटरैक्शन पर आधारित खाद्य श्रृंखला है, जिसमें शिकार और शिकारी का संबंध है, जिसमें एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाया जाता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो चारण खाद्य श्रृंखला है, एक तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की फूड चेन है, और दूसरा ये परभक्षीता, प्रीडेटरी जो इंटरैक्शन है, जिसमें प्रे और प्रेडेटर की इंटरैक्शन होती है, उस अंतःक्रिया पर आधारित खाद्य श्रृंखला है।
अब जो ग्रेजिंग फूड चैन है इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? चारण खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है हरे पादपों से, ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की विकिरण या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उत्पादकों से उपभोक्ताओं से होते हुए ये खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो ये हमने बात की चारण खाद्य श्रृंखला की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रासेज हैं, ग्रीन प्लांट हैं जो यहाँ उत्पादक का काम करते हैं। कुछ लार्वा हैं इंसेक्ट के, जैसे कैटरपिलर प्राथमिक उपभोक्ता हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता हैं। स्नेक जो है वो यहाँ तृतीयक उपभोक्ता हैं। मोर हैं, उल्लू जैसे कुछ जंतु हैं वो अंतिम उपभोक्ता का काम यहाँ पर करते हैं। ओके, दूसरे प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला की मैं बात कर रहा हूँ वो है डेट्रिटस फूड चैन। इसे अपरदन खाद्य श्रृंखला के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो कुछ बातें हम डेट्रिटस फूड चैन के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर एक कि जो डेट्रिटस फूड चैन है, अपरदन खाद्य श्रृंखला है, ये कॉमनली पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला नहीं है। इस खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत है वो शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मृत जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे शुरू होती है और फिर ये आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हरे पादपों से प्राप्त नहीं होकर यहाँ ऊर्जा का जो स्रोत है, एनर्जी का जो सोर्स है, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किसी दूसरे सिस्टम से यहाँ आए हैं। उनके अपघटन से ऊर्जा सूक्ष्म जीवों को मिलती है। इन सूक्ष्म जीवों को कुछ अन्य जंतुओं के द्वारा खाया जाता है और इस प्रकार ऊर्जा आगे बढ़ती है। ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम के द्वारा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अपघटन को समझाया है और किस प्रकार ये डेट्रिटस फूड चैन आगे बढ़ती है ये बात की है। अच्छा, इसके अलावा एक पैरासिटिक फूड चैन, परजीवी खाद्य श्रृंखला भी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में कि आखिर खाद्य श्रृंखला, फूड चैन की जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो फूड चैन की स्टडी एक तो हमें बताती है कि एक इकोसिस्टम में जो जैविक घटक हैं, उत्पादक, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता, इनके बीच किस प्रकार की इंटरैक्शन है, परजीविता है, परभक्षीता है, किस प्रकार की इंटरैक्शन इकोसिस्टम के जैविक घटकों के बीच हैं, ये पता हमें फूड चैन के खाद्य श्रृंखला के अध्ययन से चलता है। नंबर दो, दूसरा हमें पता चलता है कि अगर हमें खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी है तो हम ये पता कर सकते हैं
कि कौन सा इकोसिस्टम बैलेंस है, संतुलित है, कौन सा इकोसिस्टम संतुलित नहीं है, और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे आजकल हम खेतों में पेस्ट मैनेजमेंट के लिए नाशक कीटों के या पीड़कों के प्रबंधन के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड काम में लेते, जैविक नियंत्रण विधि काम में लेते, ऐसी ही और कई पारिस्थितिकीय समस्याएं हैं, तो उनके सॉल्यूशन में, उनके समाधान में फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का अध्ययन महत्व रखता है। अब हम बात करेंगे खाद्य जाल की। तो अभी हमने बात की फूड चेन की, तो यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि नेचर में, प्रकृति में या किसी भी इकोसिस्टम में स्वतंत्र या व्यक्तिगत खाद्य श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती। जो हमने बात की है खाद्य श्रृंखला की, वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली किसी भी नेचर में, किसी भी इकोसिस्टम में दिखाई नहीं देती। यानी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल, फूड वेब का निर्माण होता है। ठीक, तो फूड वेब में क्या होता है कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पर, एक ही पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां, कई प्रकार के जंतु उपस्थित हो सकते हैं। तो जो खाद्य जाल है उसी के कारण एक इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आता है, क्योंकि एक ही ट्रॉफिक लेवल पर कई सारे जंतु हैं, कई जीव हैं, तो एक अगर समाप्त भी हो गया तो अगले स्तर के जंतु के लिए भोजन की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी और इकोसिस्टम स्टेबल बना रहेगा। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।